हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज की जॉब की अपडेट बीट वाइज की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है 2022 की तरफ से। कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वर्क मोड आपका कैसा रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के ज़रूर से देखना, जब भी आपके सभी क्वेश्चन एंड डाउट यहाँ क्लियर होने वाले। तो चलिए वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। जो आपका यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपका पोजिशन रहने वाला है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी या आपका पोस्ट नेम रहने वाला है। और जो यहाँ आपको सैलरी स्टाइपेंड जो आपको सैलरी प्रोवाइड हो रही है वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप में आपको यहाँ 15,000 यहाँ आपको पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड हो रही है। और जो आपका परफॉर्मेंस और इवेल्यूएशन के बेसिस पे यहाँ आपको 4 LPA यहाँ आपको सैलरी प्रोवाइड होने वाली है पर एनम की। और जो यहाँ आपका जॉब लोकेशन है वो पुणे रहने वाला है। वर्क मोड की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। रिलोकेशन विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर पेंडेमिक सिचुएशन नॉर्मलाइज, मतलब जो भी ये कोविड की सिचुएशन है अगर नॉर्मलाइज होती है तो उसके बाद यहाँ आपको वर्किंग लोकेशन पर आपको जाना पड़ने वाला है। एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो इंटर्नशिप रहने वाली है ये। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करने से पहले अगर आपको इस चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ तो BE BTECH वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ब्रांचेस की बात करें तो EEE, ECI, CSE, IT एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले इतने ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल रहने वाले। और यहाँ एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ सिर्फ 2022 के बैचेस ही यहाँ एलिजिबल है। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर 2022 में पास आउट होने वाले वही यहाँ एलिजिबल रहने वाले। और परसेंटेज का क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी आपका 60% से एबो होने चाहिए 10 में 12 में ग्रेजुएशन में तो ही यहाँ एलिजिबल रहने वाले। और जो यहाँ स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो जो इसेंशियल स्किल रिक्वायर्ड है यहाँ तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल एंड नॉन वर्बल स्ट्रॉन्ग लॉजिकल स्किल विद द एबिलिटी टू एनालाइज इंटरप्रेट एंड ड्रॉ द इंटरफेरेंस, फ्लेक्सिबल टू वर्क ऑफ एनी टेक्नोलॉजी एनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। जो आपका पोस्ट नेम है, अब जो आपका पोस्ट नेम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी, उसके बेसिस पे जो आपके यहाँ इसेंशियल स्किल है उसके बेसिस पे ही आपका जो भी आपके इंटरव्यू राउंड में वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इंटरव्यू राउंड की बात करें यहाँ तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है ऑनलाइन, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में क्या रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ आपका नेक्स्ट जो राउंड होने वाला है वो असिसमेंट ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होने वाला है, फिर HR राउंड होने वाला है, उसके बाद यहाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है और लास्ट आपका ऑनबोर्डिंग होने वाला है, डायरेक्ट आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। एंड अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो भी आप नोटिफिकेशन से चेकआउट करते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में क्या शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर फर्दर ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस, मतलब जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें यहाँ इंटरव्यू के लिए कंडक्ट होना पड़ेगा। और जो भी यहाँ कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग, मतलब जिसका भी यहाँ फाइनल सिलेक्शन होता है तो उनको यहाँ जल्द से जल्द यहाँ इमीडिएटली ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और जो अप्लाई करने का प्रोसेस की बात करें यहाँ तो सबसे पहले आपको ईमेल ID आपकी जो भी रजिस्टर ईमेल ID उसको पुट करना है, उसके बाद यहाँ आपको वेरीफाई ईमेल पे करना है, उसके बाद यहाँ आपकी कंप्लीट डिटेल, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट लोकेशन, स्टेट, इंडिया, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम, उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएट ईयर, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, ग्रेजुएशन परसेंटेज, इसको कम्प्लीटली फिलअप करके यहाँ आपको सबमिट करके कम्प्लीटली सबमिट कर देना है। एंड अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट की रिप्लाई करने की। एंड अगर आपको इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक चाहिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लग रहे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।